हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 14 मई 2023 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कल हुए सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले में, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट पर जो खराब डिसीजन एसआरएच की टीम के अगेंस्ट अंपायर के द्वारा लिए जा रहे थे, उसकी वजह से नट बोल्ट फेंके गए थे। इसके साथ ही बॉटल्स भी फेंकी गई थी और अब बताया जा रहा है कि इनके जो प्लेयर हैं प्रेरक मानकट, उनके ऊपर ये फेंकी गई थी और उनके सर पर चोट भी आई। हालांकि इसका रिप्लाई उन्होंने बल्ले से कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। इसकी जैसे मैच भी रुकवाया गया था और अब इन सभी फैंस को इनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाने वाला है। कमेंट करके आप लोग बताना आप लोगों का इस इंसिडेंट के बारे में क्या ओपिनियन है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट की तरफ और गाइस, ये अपडेट निकल कर आ रही है सुपर संडे। आज हमें देखने को मिलने वाला है आईपीएल के प्लेऑफ के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि आज हमें पता चल जाएगा काफी हद तक कि कौन सी टीमें प्लेऑफ की साइड जाने वाली हैं और कौन सी टीमें बाहर होंगी। क्योंकि पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ भिड़ेगी दिन में 3:30 बजे से। अगर राजस्थान रॉयल्स हारती है तो वो प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अगर आरसीबी हारती है तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत ही कम है। तो सर्वाइवल के लिए फाइट होने वाली है। जो भी टीम हारेगी वो बिल्कुल भी अब प्लेऑफ में जाने के लायक नहीं बच पाएगी। दूसरा मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के बीच में और ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा। केकेआर के पास तो नथिंग टू लूज है क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर है, लेकिन अगर सीएसके यहां पर जीतती है तो प्लेऑफ में चले जाएंगे। अगर सीएसके हारती है तो भी वो प्लेऑफ में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फंस जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के मैनेजमेंट की साइड से। लास्ट के 5-6 सालों से केकेआर के मैनेजमेंट में हमें वेंकी मैसूर देखने को मिलते थे और अब रिपोर्टेडली जिस तरीके का परफॉर्मेंस केकेआर का लास्ट के कुछ सालों में रहा है, उसके बाद अब केकेआर की टीम वेंकी मैसूर से आगे बढ़ सकती है और केकेआर के मैनेजमेंट में आप लोगों को कुछ बड़ा चेंजेस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट करके आप लोग बताना आप लोगों के हिसाब से क्या केकेआर के कोचिंग मैनेजमेंट को चेंज किया जाना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है कुछ ऐसी आईपीएल टीमों के रिगार्डिंग, जो कि आईपीएल 2024 में अपने कप्तान आप लोगों को चेंज करते हुए नजर आने वाली हैं। इन टीमों की लिस्ट में नाम देखने को मिलता है दिल्ली कैपिटल्स का, जिनकी टीम में ऋषभ पंत अपना रिटर्न करेंगे तो डेविड वार्नर से कैप्टनसी ली जाएगी। एसआरएच की टीम भी एडन मकरम की जगह किसी भारतीय प्लेयर को कप्तान बनाने की तरफ देख रही है। वहीं पंजाब किंग्स की टीम भी शिखर धवन की जगह इनके जो कैप्टन है उनको चेंज करते हुए आपको देखने को मिलेगी और उनके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी नीतीश राणा नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर, जो कि इनके एक्चुअल में कैप्टन है, वो रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी अपडेट और ये निकल कर आ रही है युजवेंद्र चहल की साइड से, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इनको रिलीज कर दिया था और उसके बाद आरसीबी के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले युजवेंद्र चहल ने काफी इमोशनल स्टेटमेंट दी है, जहां पर इन्होंने बताया है कि इनको ऑब्वियसली बात है हर्ट तो काफी हुआ था जब आरसीबी ने इनको रिलीज किया था, लेकिन ये समझते हैं कि ऑक्शन के डायनेमिक्स इसी तरीके से काम करते हैं। इसके बाद आरसीबी ने इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर वनिडू हसारंगा को अपनी टीम में लिया था। कमेंट करके आप लोग बताना वनिडू हसारंगा या फिर युजवेंद्र चहल आरसीबी के लिए आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर था। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है प्लेऑफ के परसेंटेज के रिगार्डिंग, जहां पर कल के डबल हेडर के बाद गुजरात टाइटंस की टीम के 98% चांसेस हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के 96, मुंबई इंडियंस के 77, लखनऊ सुपर जायंट्स के 55, राजस्थान रॉयल्स के 35, पंजाब किंग्स के 21, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 15% चांसेस बचे हैं प्लेऑफ में जाने के। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है पीबीकेएस की साइड से, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम अभी भी प्लेऑफ में जा सकती है। कल के मुकाबले में इस टीम को जीत मिली थी और उसके बाद पीबीकेएस की टीम अभी भी अपनी उम्मीद बनाए हुए है, क्योंकि आरसीबी को नंबर 7 पर डालकर नंबर 6 पर आ चुकी है। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।